तूफ़ान, हबीबे घर से भाग गए। रात किसके लिए भाग गई? क्यों खामोश हो तुम? देखते जालन सर आ रहे हैं। जालन आ गए? हाँ, ये तो वाकई में आ गया। तो क्या प्लान था हमारा कि मैंने खुद पर कंट्रोल रखना है, याद रहेगा मुझे। क्या तुम उन्हें हेलो भी नहीं बोलोगी यार? अगर हेलो कहने के बाद मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और मैंने उसे अपने गले से ही लगा लिया तो क्या होगा? हाँ डेफने, देखो अगर मैं बातें करती रहूं और चुप ना हो तो मुझे रोक लेना तुम। अरे नहीं, तुम सब कुछ कर सकती हो। अब इतनी सख्ती भी ना दिखाओ, वहाँ जाओ, हाँ हेलो करो, थोड़ी सी बात करो, फिर अपने ऑफिस चले जाओ। उसके बाद देखना भी नहीं उनकी तरफ। क्या लगता है तुम्हें कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं? हाँ मेरी जान, तुम कर सकती हो। तुम मेरी जान सब कुछ कर सकती हो, बस अपने आप पर यकीन रखना। मैं तुमसे कह रहा हूँ यार, मैं चुप कैसे रहूंगी उसके सामने? यशम, हाय, हम जानते हैं तुम्हारा चुप रहना मुश्किल है, लेकिन हमें तुम पर यकीन है। क्यों लड़कियों? गुड मॉर्निंग। किसी सुकून वाली जगह पर बैठकर बात करते हैं। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। डेफने, सीरियस हूँ, बहुत सीरियस। गुस्सा मत दिलाओ, सिर्फ बात करनी है, प्लीज। प्यार से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना था तो मेरे ऑफिस में घुसकर इस्तीफा फाड़ने की क्या जरूरत थी, बताओ ना मुझे। क्योंकि मेरी मर्जी। डेफने, मैं तुम्हें देखो, डेफने समझो, तुम्हें गुस्सा आया और मुझे छोड़ गई, मगर दिल से नहीं छोड़ा। हे, मेरी फैमिली के लोग आसानी से छोड़ते नहीं हैं, लेकिन खुद पर काबू रखते हैं। वाओ, ठीक है, तो ये बात है, अगर तुम इतनी जिद्दी हो तो मैं तुम्हारी जिद खत्म करके रहूंगा। मॉड्यूल चेक कर लोगी प्लीज? मैंने पाइथन के साथ कोडिंग की है मगर प्रोग्राम चल नहीं रहा। ये यहाँ पर कुछ कोड एरर था बस, और ये हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। दानिया बाहर जाओ। यालम सर, मैं और डेफने थोड़ा कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। बाद में कर लेना काम, जाओ। कोई बेवकूफ लड़की हो इंतहाई। चलो बताओ, प्लान क्या है तुम्हारा? कोई प्लान नहीं है। डेफने यार, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यालन, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। जब तक बात नहीं हो जाएगी मैं नहीं जाऊंगा, समझी? चलो लड़की, अब बताओ मुझे, इस्तीफा क्यों फाड़ा था तुमने? यालन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जब तक नहीं बताओगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। जो चाहे करो।
ऐसा ना हो के यहीं बैठकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने पड़े ताकि तुम कुछ बात करो। जानती हो जिंदगी बहुत अजीब है। डेफने बरूची खामोश है। वाह, मेरा ख्याल है आपको डेफने के कमरे में आके देखना चाहिए। यालिन साहब वहीं पर हैं और डेफने उनकी वजह से परेशान हो रही है। बस करो, तुम जानती हो ना किस तरह तुम जीत नहीं सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बोलो डेफने, इस्तीफा क्यों फाड़ा था तुमने? चलो जवाब दो मुझे डेफने, मेरी जान, क्यों खामोश हो तुम? मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं, तुम्हारा बोलना मिस कर रहा हूं। अप 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 अप। बहुत ज्यादा यार। हाँ डेफने, वो मुझे इससे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी बात थी, अभी करनी है। क्या बात थी? एसगी की। हाँ, एसगी की बात थी। कुछ टिप्स लेनी है तुमसे, है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा, टिप्स लेनी है। थोड़ी देर तो रुक जाए मामा। वक्त आ गया है इस घर को अलविदा कहने का। अलविदा मेरे सिनान के भाई के घर। अलविदा, मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है, जहां मेरी इज्जत ना हो मैं वहां नहीं रह सकती। अलविदा। बाहर कौन गया? हबीबे चली गई। कहाँ चली गई, कैसे गई? अपना सामान बांधा और घर छोड़ के चली गई। पूछा कि वो कैसे गई तो आपको बता दूं कि बड़े ड्रामे करके गई है वो। कहना पड़ेगा कि एक नंबर की ड्रामेबाज है वो। आखिर आप पर जो चली गई है। सबसे कहेंगे सातिर वापस से लाकर, कम अज कम थोड़ी परेशानी तो कम होगी। मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है कितना आसान है भाई, तो आप कोशिश कर लें। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे भाई, उस कमीने को तो मैं खुद देख लूंगा। तूफ़ेल, हबीबे घर से भाग गई। कहां चली गई और अब किसके लिए भाग गई? भाग गई का क्या मतलब? अभी तो गई है, तुमने नहीं देखा जाते हुए? क्या मुसीबत है? तुम जाके उधर देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। भाई मैं क्यों जाऊं, मेरी बला से वो कहीं भी जाए। फजूल बातें मत करो, आधी रात को कहां जाएगी वो? अब क्यों ढूंढे उसे हम? अच्छी बात है ना, चली गई वो यहाँ से। घर आ जाए तो मसला, भाग जाए तो मसला, मेरी तो समझ में ही आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पर। हद हो गई है यार। क्यों दसदा नहीं मैनू किथे लग तेरा दिल गया वे, मैनू लगदा तेनू कोई और मिल